तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल रहमान टेक्निकल में। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं इस फ्लोट स्विच को, जो कि इस वाटर टैंक में इंस्टॉल होगा और इससे हम अपने वाटर पंप को, जो समरसेबल पंप नीचे कुएं में लगा हुआ है, उसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेंगे। इसके लिए मैं तीन चीज़ लिया हूँ, जैसे एक फ्लोट स्विच हो गया, उसके बाद ये लिया हूँ मैंने सेलेक्टर स्विच, जिसमें ऑफ बीच में ऑफ रहेगा, एक साइड में ऑटोमेटिक चलेगा और दूसरे साइड में मैनुअल ऑपरेट करेगा। इसमें तीन ऑपरेशन होंगे और इसके टर्मिनल हम पीछे देखें तो कौन कौन से टर्मिनल हैं ये देख सकते हैं आप। चार टर्मिनल है, वन यहाँ पे पॉइंट टर्मिनल नंबर वन लिखा हुआ है, उसके बाद A1 है, यहाँ पे A1 है, उसके बाद ये A2 है और ये वन और ये टर्मिनल जो रहेंगे दोनों एक आपस में शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। ये सेलेक्टर स्विच इसी तरह डिज़ाइन रहता है, जिसमें बीच में ऑफ रहेगा और वन साइड में ऑटो ऑपरेट करेगा और सेकेंड साइड में मैनुअल करेगा, ठीक है। अभी जैसे हम कनेक्शन करने जाएंगे तो वन, और अगर हम ऑटो में सेलेक्ट किए तो वन और A1 टर्मिनल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बीच में हम A1 और A1 के बीच में हम फ्लोट स्विच कनेक्ट करेंगे, जो दो वायर आएंगे उससे मैं आगे बताऊंगा आपको, वो आप देखेंगे। और जो अपन A2 टर्मिनल है इसे हम मैनुअल में रखेंगे, ये कनेक्शन किस तरह करेंगे वो अपन देखेंगे अभी आगे। उसके बाद मैंने एक लिया हूँ 2 पोल का स्विच, जो कि 45 एम्पियर का है, 32 एम्पियर तक के बीच चल सकता है, क्योंकि अपना 1 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये तीन चीज़ लिए हमने, ये देखिए 2 पोल का स्विच लिया हुआ है। ये 2 पोल का भी क्यों लिया हूँ वो आगे आपको कनेक्शन के टाइम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों को ब्रेक करना है। देखिए, हमें जब एक सर्किट बनाते हैं उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोनों में से एक भी कट हो गया तो हमारा वो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और हमारा जो डिवाइस है ऑपरेट नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या रहेगा, हमारा पानी है और थोड़ा सेफ्टी को मैं प्रिकॉशन लेते हुए न्यूट्रल को ब्रेक करूँगा। इसमें हम नॉर्मली जब हम कनेक्शन करते हैं तो अपन फेस को लाके डिस्कनेक्ट करते हैं, जिससे हम फेस को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फेस को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, ताकि अपना सेफ्टी मिले, इन केस कुछ वायर कट जाता है तो अपना न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है रिटर्न पाथ रहता है और हमारा जो लाइव वायर रहता है वो फेस रहता है, ठीक है। फेस में हमेशा हमारा लाइव करंट रहता है और न्यूट्रल में हमारा जब सर्किट फ्लो होता है वो रिटर्न पाथ देता है। तो एज अ सेफ्टी मेजर मैं कंसिडर करते हुए यहाँ पर न्यूट्रल ही लाऊँगा, न्यूट्रल को ब्रेक करूंगा और फेस यहाँ पे नहीं लाऊंगा, ठीक है। ये फ्लोट स्विच लगा हुआ है मेरे पास, इसमें 3 टर्मिनल है अपने पास। इसमें पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि काफ़ी डिटेल में, वो आप बाद में देख सकते हैं, इधर मैं दे दूंगा साइड में। इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्मिनल रहते हैं, जो कि ये भी 2-way स्विच तरह ऑपरेट करता है। 3 टर्मिनल में ये ब्लैक वाला जो है ये अपना कॉमन रहता है, ठीक है। ये ब्लैक टर्मिनल जो है कॉमन है, उसके बाद जो रेड देखेंगे और ग्रीन देखेंगे। ये रेड क्या करता है, जब हमारा ये फ्लोट स्विच नीचे होता है तो ये ब्लैक और रेड दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, दोनों कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, और जब ये ऊपर होता है तो ये ब्लैक और रेड दोनों ओपन पाथ हो जाते हैं, और इसी का ऑपोजिट में ग्रीन के साथ होता है। जब ये नीचे रहेगा तो ये ओपन पाथ रहेगा और जब ये ऊपर हो जाएगा तो हमारा ये जो ग्रीन और ब्लैक रहेगा दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यूज़ करना है जब ये नीचे जाए तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए, क्योंकि जब ये नीचे होगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, हमारा जो सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा और करंट जो रहेगा हमारा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। हमें ये कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। आप कलर अगर अलग दिया हुआ तो आप कंटिन्यूटी की मदद से चेक कर लेना कि जो नीचे अपना फ्लोट स्विच है दोनों को, दो टर्मिनल जो रहेंगे वो आपस में शॉर्ट होना चाहिए। इस तरह हम इन कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 वायर लेके आया हूँ ऊपर में। ये देखिए 2000 लीटर की टैंक लगी हुई है, यहाँ पे एक होल किया हुआ है जहाँ से मैं अपना फ्लोट स्विच का वायर डालूंगा, ठीक है। ये देखिए ये जो 2 वायर दिख रहे हैं आपके, ये रेड और येलो कलर के 2 वायर हैं, इसे मैं अपना नीचे जो पैनल है हमारा जो कनेक्शन करूंगा, जहाँ पे मैं मोटर का स्टार्टर पैनल जो रहेगा वहाँ पे मैं इसे ले गया हूँ वायर को, रेड और येलो वायर को। वहाँ पे किस तरह कनेक्शन करेंगे वो अभी आपको दिखाऊंगा, मैं सिलेक्टर स्विच किस तरह लगाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं फ्लोट स्विच लगा दूंगा, जो 2 टर्मिनल दिखेंगे यहाँ पर इसमें रेड और ब्लैक वाला कनेक्शन करके इस टैंक के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और जैसे ही पानी फुल हो जाएगा तो ये फ्लोट स्विच ऊपर आ जाता है, और पानी कम होगा तो फ्लोट स्विच नीचे चला जाता है। ये इस तरह फ्लोट स्विच नीचे हो जाता है अगर पानी कम हो गया, अगर फ्लोट स्विच पानी भर गया तो उस टाइम में फ्लोट स्विच ऊपर आ जाता है। अब जब ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा टैंक बंद हो जाना चाहिए। वो हम किस लेवल में सेट करेंगे, मैं इस लेवल में सेट कर दूँगा ताकि हमारा टैंक फुल ना हो और ऑटोमेटिक पावर पानी ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। और एक चीज़, ये जो सिलेक्टर स्विच लगा रहा हूँ मैं, इसका नहीं भी लगाते तो भी चलता, लेकिन इसको किस लिए लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, जब हमारे पानी अगर फुल करना है,
ठीक है, पानी फुल हो गया तो ऑटोमेटिक मोटर जो रहेगी बंद हो जाएगी। अगर इनकेस हमारी टंकी फुल है उसके बाद भी मुझे पानी मोटर ऑन करना है, मेरे को दूसरी जगह आउटलेट कनेक्शन किया हुआ है, अगर मुझे मोटर ऑन करना है पानी टैंक फुल होने के बाद भी, तो उसको मैं मैनुअल में करके कनेक्शन जो रहेगा अपना सिलेक्टर स्विच उसको मैनुअल में करके मोटर ऑन कर सकता हूँ, वो भी आपको करेक्शन बता दूंगा। इसीलिए मैं मेन सिलेक्टर स्विच इसी लगा रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ टैंक में ऑपरेट कराना है, टैंक ऑन ऑफ करना है, तो आप सिलेक्टर स्विच अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी आपको कनेक्शन दिखाएंगे नीचे। तो अभी इस फ्लोट स्विच का कनेक्शन मैं इन दोनों वायर में कर देता हूँ, उसके बाद नीचे जाके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो दो वायर हैं रेड और येलो, इसमें मैं एक में ब्लैक ज्वाइन कर दूंगा और एक में रेड वाला ज्वाइन कर दूंगा। अभी ये कनेक्शन हो गया, ग्रीन वायर मैंने दबा दिया हूँ। अभी ये जो फ्लोट स्विच है ये मैंने आपको समझाने के लिए बाहर से दिखा रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं कनेक्शन करके बाद में अंदर से डालूंगा। अभी ये फ्लोट स्विच जो रहेगा ये हमारा इतना जाएगा अंदर, जब हमारा पानी फुल हो जाएगा ये वेट की वजह से ये फ्लोट स्विच ऊपर नहीं आता, ये फ्लोट स्विच सिर्फ यहाँ से ऑपरेट होगा, जब ये पानी ये लेवल तक फुल हो जाएगा तो ये फ्लोट स्विच इस तरह आके सर्किट अपना चेंज कर देगा। अभी जो है रेड और ब्लैक वाला जो टर्मिनल है दोनों शॉर्ट है, अब जैसे ही ऊपर आएगा तो ओपन हो जाएगा तो मोटर अपनी ऑफ हो जाएगी, अभी फिर ये नीचे आएगा तो मोटर अपनी ऑन कर देगा, ठीक है। इनकेस अपना पानी इसके नीचे आता है तो ये ऑन हो जाएगी, और पानी ये लेवल तक आता है तो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको अंदर डाल दूंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए बाहर रख। ये हमारा टैंक है, ये फ्लोट स्विच अभी मैंने बाहर रखा हूँ ताकि आपको समझा सकूं, ऊपर अंदर चला जाएगा तो ये देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने अभी इसको बाहर रखा हूँ ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। और ये हमारा थर्ड फ्लोर में टैंक लगी हुई है, इसे मैं ये देखिए यहाँ से सीधा मैंने वायर को लेके आया हूँ यहाँ इसके अंदर से, और ये पाइप के थ्रू ये अपना रेड और येलो वायर जो दो कनेक्शन किए हैं वो नीचे जाके हमारा वहाँ पे मीटर बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पे पंप का पैनल आएगा तो वहीं पे कनेक्शन करेंगे। अभी हम नीचे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो दो वायर है आ रहे हैं ये पाइप के थ्रू, और ये पाइप अपना गया है इस मीटर बोर्ड में। ये हमारा मीटर बोर्ड है, इसमें हम पैनल का जो स्टार्टर पैनल है वही लगाए हैं। इसमें किस तरह कनेक्शन है और मीटर में, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक, जो आपका डाउट ना रहे क्या क्या कनेक्शन किया हुआ वो बता देता हूँ मैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा तो एक मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मीटर है जो मेन गवर्नमेंट का पावर सप्लाई आएगा, इनपुट यहाँ पे आएगा, इसका आउटपुट निकल के मैंने एक दे दिया हूँ फ्यूज़ में, उसका फ्यूज़ का आउट निकाल के ये दो फ्यूज़ दिया हूँ जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों ब्रेक होंगे, ठीक है, और इनका आउटपुट निकाल के इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दे दिया हूँ जो कि अपना तीनों फ्लोर में जाएगा, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये तीन MCB दिए हुए हैं तीनों फ्लोर के लिए। और इसके बाद ये दिया हूँ मैंने मोटर के लिए MCB, ठीक है, ये ऑन कर दिया मैंने। और इसके ऊपर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर और एम्प मीटर लगाया हूँ, वोल्ट मीटर एम्प मीटर इसलिए लगाया हूँ ताकि हमें वोल्टेज देखना है, वोल्टेज कितना आ रहा है और करंट कितना अपने घर में यूज़ हो रहा है वो भी इसमें दिखाएगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कितना करंट पंप ऑन करने में लेता है, ठीक है। अभी जो अपना मेन कनेक्शन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ये सिलेक्टर स्विच ऊपर में ऑटो मैनुअल वाला, और उसके नीचे लगाने वाला हूँ ये टू पोल का स्विच जिसमें हम फेज और न्यूट्रल दोनों को कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है हमारा मोटर पंप का स्टार्टर पैनल जिसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ वायर बता देता हूँ कौन से कहाँ गए हैं ताकि आपका एक एक तरफ से कनेक्शन क्लियर होते चले, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो होगा जब अपना पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब पंप का इस इनपुट के लिए दो वायर डाले हुए हैं रेड और ब्लैक वाले, ठीक है, ये पंप के स्टार्टर पैनल के इनपुट हैं रेड और ब्लैक, दोनों फेज और न्यूट्रल जाएंगे इसमें से, और जो पंप का आउटपुट निकलेगा यहाँ से जो पंप के इनपुट में जाएगा यहाँ से, ये तीन वायर गए हुए हैं जो कि अपना इसके अंदर एक कुआँ है, ये कुएँ के अंदर समरसेबल पंप लगा हुआ है, वो समरसेबल पंप ऑन होगा तब अपना पानी टंकी में भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें कनेक्शन करना स्टार्ट करा दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो वायर दो निकले हुए हैं ये अपने आ गए हैं यहाँ पे, ये दो वायर हैं इस स्विच बोर्ड में, देखिए कितने वायर आएंगे, ये दो वायर जो हैं अपने इस पंप के इनपुट के वायर आ गए जो कि इस स्विच बोर्ड के आउटपुट के रहेंगे फेज और न्यूट्रल, ठीक है। इस स्विच बोर्ड का आउटपुट इस ये वायर लगेगा, ठीक है। और दो वायर अपने आए हैं, ये जो दो वायर दिख रहे हैं आपको
रेड और येलो वाले, ये दो वायर आए हैं अपने, जो कि टंकी में फ्लोट स्विच लगे हुए हैं। अपने फ्लोट स्विच का कनेक्शन किए हैं, ब्लैक और रेड वाला वो लगे हुए हैं, जिसमें से एक में से न्यूट्रल ऊपर जाएगा और दूसरे में से जब क्लोज सर्किट हो जाएगा फ्लोट स्विच ऑपरेट होने पे, तो दूसरे से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये दो वायर लगे हुए हैं और ये दो वायर जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये अपना मेन डीवी से यहाँ से दिया हूँ मैंने, और इस एमसीबी से इसके इनपुट में आएगा फेज और न्यूट्रल। ये ब्लैक वायर नहीं था तो मैंने इसको येलो को यूज़ किया एज ए न्यूट्रल, इसमें ब्लैक टेप मार दिया हूँ और रेड को फेज यूज़ करूँगा। ठीक है, इसका कनेक्शन मैं आपको करके बताता हूँ। ये रेड वाला मैंने बड़ा क्यों रखा हूँ और ये येलो वाला छोटा क्यों रखा हूँ, ये कनेक्शन करने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं अभी। तो ये मैंने आउटपुट में कनेक्ट कर दिया हूँ दो वायर, फेस और न्यूट्रल। हम करेंगे कनेक्शन सेलेक्टर स्विच। न्यूट्रल को मैं सबसे पहले कनेक्ट करूँगा वन नंबर के टर्मिनल में। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, वन नंबर और ये जो नीचे का टर्मिनल है ये दोनों शॉर्ट रहते हैं, और दो टर्मिनल और रहते हैं A1 और A2। जब हम ऑटो में करते हैं वन और A1 दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, जब ऑफ कर देते हैं तो सारा ऑफ हो जाता है, वन ए से ऑफ, A1 से ऑफ हो जाता है, वन और A2 से ऑफ हो जाता है, और जब हम मैनुअल में करते हैं तो वन और A2 दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब A1 को मैं यूज़ करूँगा ऐसा फ्लोट स्विच को कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं वन में कनेक्ट करता हूँ न्यूट्रल, जो कि हमारे डीबी से आया है, ये डीबी से न्यूट्रल आया हुआ है, इसे मैं वन नंबर में कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्ट हो गया वन नंबर का न्यूट्रल, जो अपना मेन डीबी से जो न्यूट्रल आया वन नंबर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब A1 टर्मिनल में कनेक्ट करूंगा मैं जो हम जो न्यूट्रल भेज रहे हैं हम ऊपर फ्लोट स्विच में, येलो वाला कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, येलो भी कर सकते हैं अपन, रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जाएगा और एक आएगा, कोई भी एक कर सकते हैं अभी, तो मैं येलो ही कनेक्ट कर रहा हूँ A1 टर्मिनल में, जो कि हमारा फ्लोट स्विच में जाएगा इनपुट में। ये देखिए, अभी कनेक्शन देख सकते हैं, वन नंबर में जो हमारे डीबी से जो न्यूट्रल आया उसे कनेक्ट कर दिया A1 टर्मिनल में। एक वायर जो फ्लोट स्विच के इन में जा रहा है उसे कर दिया हूँ, अभी जो दूसरा फ्लोट स्विच का वायर बचा है उसे हम कहाँ कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे अभी। अब A2 में हम एक और दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा स्विच बोर्ड में जाएगा, उसे मैं बताऊँगा अभी। एक छोटा सा वायर टुकड़ा ले लिए हम, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अभी मैं इसे A2 में कनेक्ट करने वाला हूँ। A2 टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये देखिए, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है जिसके फर्स्ट नंबर के टर्मिनल में हमने डीबी का न्यूट्रल दे दिए, और A1 टर्मिनल में हमने यहाँ से जो वायर जा रहा है फ्लोट स्विच के इनपुट में एक वायर यहाँ से दे दिए, क्योंकि जो रेड और येलो दो वायर जा रहे थे, इसमें से एक वायर हमने A1 टर्मिनल में दे दिए जो कि फ्लोट स्विच के इन में जाएगा, और एक वायर हमने A2 टर्मिनल से एक ब्लैक वायर हमने नीचे स्विच बोर्ड में ले जाएंगे, जो कि न्यूट्रल के साथ हम ज्वाइन करके रखेंगे। A1 जो हमारे फ्लोट स्विच में थे दो वायर थे, A1 तो हमने यहाँ से दे दिए जो कि इनपुट में जाएगा, और जो रेड वायर वहाँ पे था दूसरे नंबर का वो हमारा जो आउट निकलेगा उसे हम स्विच बोर्ड के न्यूट्रल में देंगे। ये देखिए, ये जो वायर है हमारा रेड वाला, ये ब्लैक का टेप मारा हूँ, ये हमारा वहाँ ऊपर से जो अपना फ्लोट स्विच है वहाँ से दूसरा वायर जो आ रहा है ये है, और हमने एक वायर और जो जॉइंट किए A2 टर्मिनल में, ये देखिए A2 टर्मिनल में जो ब्लैक वायर जॉइंट किए, ये दोनों को हम जॉइन कर देंगे एक साथ। ठीक है, एक साथ जॉइन करने के, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये दोनों को हम एक साथ जॉइन कर दिए और हमने इन्हें डाल दिए स्विच बोर्ड के न्यूट्रल के इनपुट में। ये देखिए, स्विच बोर्ड का न्यूट्रल का जो इन है, ये दोनों को एक साथ जॉइन करके हमने स्विच बोर्ड के न्यूट्रल के इन में डाल देना है। ये स्विच बोर्ड का इन है न्यूट्रल वाला, और इसे मैं टाइट कर देता हूँ। अभी बच गया हमारा एक वायर, जो कि हमारा डीबी से जो फेज आया है वो फेज हमने डायरेक्ट स्विच बोर्ड के फेज इनपुट में दे देना है। ठीक है, ये सारा होने के बाद एक बार और मैं कनेक्शन आपको समझाऊंगा। ये अभी हमारा कनेक्शन हो चुका है, ये देखिए, ये हमारा ऊपर ये सेलेक्टर स्विच है, ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है, स्विच बोर्ड अगर सेलेक्टर स्विच के पीछे देखेंगे तो सबसे पहले वन टर्मिनल में दिए हमने डीबी से जो न्यूट्रल आ रहा है वो न्यूट्रल का एक पॉइंट दे दिए वन नंबर में, और A1 टर्मिनल में जो A1 है सेलेक्टर स्विच का, उसमें फ्लोट स्विच का एक वायर दिए हैं, जो कि फ्लोट स्विच का इन हम कंसिडर कर रहे हैं, वो एक वायर यहाँ से न्यूट्रल पहले फ्लोट स्विच के इन में जाएगा पीला वाला, और A2 टर्मिनल में हमने एक वायर यहाँ से एक एक्स्ट्रा वायर डाल दिए ब्लैक कलर का, A2 से जो जाएगा वो नीचे ले लिया अभी हमने स्विच बोर्ड में। ठीक है, अब स्विच बोर्ड में हम देखेंगे क्या किए हैं, स्विच बोर्ड के इनपुट में देखें, सबसे पहले
स्विच बोर्ड के इनपुट में जो हमने एक वायर सिलेक्टर स्विच का जो बाहर निकाले थे ब्लैक कलर का, वो शॉर्ट कर दिए किसके साथ, जो हमारा फ्लोट स्विच के आउटपुट से निकलेगा रेड कलर का, जो ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा फ्लोट स्विच से निकला हुआ वायर है, ठीक है। ये हमारा रेड वाला जो है फ्लोट स्विच के आउट है, और ये ब्लैक वाला जो हमने A2 टर्मिनल से जो निकाले, ये दोनों को शॉर्ट करके न्यूट्रल, जो हमारा स्विच बोर्ड का न्यूट्रल इन है उसमें दे दिए। और जो एक वायर बचा हमारा जो DB से जो फेज हमने लाए हैं, DB से हमने न्यूट्रल यहाँ का यूज़ कर दिया, और जो DB से फेज आया उसे हम स्विच बोर्ड के इन में यूज़ कर लिए, ठीक है। स्विच बोर्ड के इन में हमने लगा दिया DB का इनपुट, और स्विच बोर्ड के आउट में लगा दिए, जो कि हमारा एक फ्लोट स्विच से आउटपुट निकल के आ रहा है, और एक हमारा न्यूट्रल जो हमारा A2 टर्मिनल से हमने जो यहाँ से एक वायर डाले वो दोनों, ठीक है। ये दोनों ऐसे न्यूट्रल काम करेगा, ठीक है। अभी इनपुट हो गया हमारा, आउटपुट में लगा दिया हमने जो कि हमारा समरसेबल पंप का स्टार्टर पैनल जो है उसका हमने आउटपुट फेज और न्यूट्रल लगा दिए, जो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था रेड और ब्लैक कलर के दो वायर। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी ये कनेक्शन अपना पूरा हो गया है, अभी मैं आपको ऑपरेट करा के दिखाता हूँ। पहले मैं मैनुअल में चलाऊंगा, क्योंकि मैनुअल में देखिए क्या है, यहाँ पे मेरा एक वाल्व लगा हुआ है, देखिए पहले ऑन कर देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए मैनुअल में कर दिया मैंने, ये स्विच ऑन कर हो गई, इंडिकेटर आ गया, ऑफ कर देंगे तो इंडिकेटर चला जाएगा, ऑन कर दिया था, फिर लाइट का इंडिकेटर आ गया, और ये पंप का भी इंडिकेटर आ गया है यहाँ पे, जो कि पंप ऑन हो गया है। और अभी ये देख सकते हैं अपन यहाँ पे करंट कितना ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है, और वोल्टेज है 240 वोल्ट, ठीक है, तो जो कि 5 एम्पियर का अपना मोटर करंट ले रहा है। अभी ये देखिए पानी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एक वाल्व दिया हुआ है, जबकि मेरे को टंकी में पानी नहीं भरना है, अगर यहाँ से मेरे को डायरेक्ट आउटपुट चाहिए पानी का पंप से, तो मैं यहाँ से वाल्व ऑन कर दूंगा, तो यहाँ से पानी आने स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये होस पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है पानी। अगर ये मैं वाल्व बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो ये पानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ से थ्रू पाइप के है सीधा टंकी पे ऊपर, वो सीधा टंकी में पानी आना चालू हो जाएगा। अभी मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो पानी आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अभी ये पानी देख सकते हैं ये अपना पंप ऑन हो गया है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, ऊपर लेके बताऊँगा कैसे क्या है, क्योंकि ये मैनुअल में इसलिए रखा हूँ, पहले ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैनुअल में रखने का यही फ़ायदा है कि अगर हमारा फ्लोट स्विच से अपने को ऑपरेट नहीं कराना है, तो मैनुअल में डाल के अपन नीचे भी टंकी पानी ले सकते हैं पंप ऑन करके, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टंकी में पानी भरना होता तो आप ये सिलेक्टर स्विच न लगाते हुए डायरेक्ट कनेक्शन कर देते, वो खाली फ्लोट स्विच के थ्रू ऑपरेट होता, ठीक है। इसीलिए अपन ने इसमें सिलेक्टर स्विच लगाया, क्योंकि अपन यहाँ से वाल्व थ्रू पानी अपने को बाहर लेना है, ठीक है, समझ गए होंगे बात को, ठीक है। ये सारे कनेक्शन है इसके अंदर, ये देखिए अभी मैंने पंप बंद कर दिया, तो इसका करंट भी आप देख सकते हैं, तो 0 एम्पियर हो गया, ठीक है, और वोल्टेज 240 वोल्ट है, 240, 45, 250 तक जाता है, कभी 230 रहता है, ठीक है, ये वेरिएबल होते रहता है। अभी मैं आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाता हूँ कि जब फ्लोट स्विच ऑन करेंगे तो पंप किस तरह ऑन हो रहा है, और फ्लोट स्विच ऑफ कर रहे हैं तो किस तरह ऑफ होता है। इसे मैं डाल दूंगा ऑटो में, तो ये बराबर ऑपरेट होगा। अगर मान लीजिए ऑटो में भी ये ऑफ कर दिया तो भी अपना पंप ऑफ ही रहेगा, इसीलिए मैंने 2 पोल का यूज़ किया हूँ, ताकि अपना इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे ना फेज आए या ना न्यूट्रल आए, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों चीज़ कट हो जाएगा यहीं से, ठीक है। ये फ़ायदा है हमारा 2 पोल स्विच यूज़ करने का। आप सिंगल पोल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जाएगा, या फेज और या न्यूट्रल, दोनों में से एक चीज़ चला जाएगा, ठीक है। टू पोल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं ऊपर से आपको दिखाऊँगा फ्लोट स्विच ऑपरेट करके, और यहाँ पर ऑन ऑफ होता है नहीं होता है। तो दोस्तों अभी मैंने नीचे सेलेक्टर स्विच को ऑटो में डाल दिया हूँ, और वाल्व बंद कर दिया ताकि टंकी में पानी आए, और उसके बाद जो हमें अभी फ्लोट स्विच को ऑपरेट करके दिखाएंगे ऑन ऑफ करके, ठीक है। टंकी में भी पानी आना स्टार्ट हो गया है, आप साउंड से समझ सकते हैं, ठीक है, टंकी में पानी आ रहा है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने फ्लोट स्विच को बाहर रखा हूँ, नहीं तो जब तक फुल नहीं होगा पानी तब तक हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी मैं इसको ऑन ऑफ करके बताऊँगा आपको, ठीक है। ये देखिए थोड़ा साउंड से अभी आपको पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको टंकी भी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए अभी ये नीचे है तो पानी अपना आ रहा है, अभी मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ये ऊपर हो गया तो पानी बंद हो जाएगा। अभी तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, और फ्लोट स्विच का पोजीशन देख सकते हैं आप, फ्लोट स्विच अभी नीचे पोजीशन में रखा हुआ है, जो तो इसलिए ऑटो में था, तो अभी पंप ऑन है। अगर फ्लोट स्विच ऊपर जाएगा तो पंप ऑफ हो जाएगा, अभी आप साउंड से पता कर सकते हैं, साउंड से समझ सकते हैं कि पानी आ रहा है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा टैंक, अभी बंद है, यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, काफ़ी रिस्की काम है, आप लोग क्लियर करना पड़ता है,
ठीक है, ये देखिए अभी ये फ्लोर स्विच नीचे है तो अपना पानी आ रहा है। अभी जैसे कि अपना पानी ये लेवल तक सेट हो गया, अपना फुल हो जाएगा, तो ये फ्लोर स्विच ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है और ये ऊपर आने के बाद अपना टैंक ऑफ हो जाएगा। देखिए साउंड बंद हो गया, अभी पानी आना बंद हो गया। अभी मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये फ्लोर स्विच मैंने नीचे की पोजीशन में कर दिया, अभी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी आना स्टार्ट हो गया। अभी जैसे फ्लोर स्विच पर पानी भर जाता है तो ये देखिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये देखिए वेट की वजह से ये फ्लोर स्विच ऊपर ठहरने लग जाता है, जो भी वेट में रखेंगे अपन वो लेवल तक फ्लोर स्विच ठहरेगा। ठीक है, अभी सपोज़ पानी कम हो गया तो ये फ्लोर स्विच इस तरह सीधा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर दोबारा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा अपना। देखिए तो फिर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।